दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। एक बार कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा वाईफाई स्टडी से पार्ट अपन एकेडमी। नमस्कार। देखिए आपको पता ही है रेगुलर क्लास 7 बजे होती है, लेकिन कभी कभी हमें एक एग्जाम भी दे देना चाहिए। तो अभी हम एक लाइव टेस्ट करने वाले हैं, बहुत कॉमन लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, तो अब इस लाइव टेस्ट में करना क्या है, आपको 30 मिनट में 50 प्रश्न जो है इसको सोल्व करना है। इन 50 प्रश्नों में आपका जीके भी होगा, आपका साइंस भी होगा और आपका करंट अफेयर भी होगा। तो मतलब एक पेपर कह लीजिए, यानी कि 2 सेट कह लीजिए, जिसको आपको 15-15 मिनट में सोल्व करना। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी पे मिल जाएगा, और जितना भी कंटेंट है बाकी का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका वर्ल्ड अफेयर का वीडियो अवेलेबल है, ये सब आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। आप सोल्व करिएगा और इसके बाद आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए आपको फ्री क्लासेस जो मिल रही हैं अन अकेडमी पे, वो आपको 8 PM पे मिलेगी और 10 AM पे भी करंट अफेयर होगा। तो ध्यान रखिएगा, वो 10 AM का करंट अफेयर भी आप देखिएगा, प्रोफाइल फॉलो कर लेना आप मेरा। ठीक है, जिससे कि आप मेरे से जुड़ सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका अन अकेडमी कॉम्बैक संडे को होगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन का। देखो अभी अब जो आप इस बारी कॉम्बैक में अगर आप जुड़ेंगे, तो कॉम्बैक्ट में आप इस चीज का ध्यान रखिए, कॉम्बैक्ट में आप बस पार्टिसिपेट करने मात्र से भी कुछ लकी विनर्स हो सकते हैं। तो रेफर कोड यूज करिएगा लाइव अमन। लाइव अमन रेफर कोड आपको यूज करना है, और फ्री टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे अवेलेबल है। जो तो कोर्सेज है वो नए लाइव हुए हैं 18 अगस्त वाले। अब और भी बहुत सारे कोर्सेज लाइव हो रहे हैं, तो जब आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप पिछला अभी का और आने वाला जो भी कोर्स है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन फॉर डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लाइव टेस्ट को। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के साथ, व्हाट इज कॉल्ड लॉयन फिश, इसमें से क्या है जिसे हम लॉयन फिश कहते हैं। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, हालांकि ठीक है पेपर में ऐसी चीजें भी मुश्किल लगती हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लॉयन फिश का आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। एक पेपर दे लो, स्मॉल सा पेपर है, और उसके बाद 10 बजे वाली क्लास रेगुलर। ठीक है, आंसर टेरोइस वालेनस इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मेनली कंपोज ऑफ एल्गी एंड मोस। बताइए किस तरीके के जंगल जो है जिसपे ज्यादातर शैवाल होते हैं और काई होती है, जल्दी से बताइए। ठीक है, मतलब इन जंगलों में शैवाल और काई होना आम है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सोल्व करो जल्दी से बताओ, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा, पार्टिसिपेट करो। सिर्फ 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है आंसर इस क्वेश्चन का, तुंद्रा फॉरेस्ट। तुंद्रा फॉरेस्ट में ज्यादातर जो है शैवाल और मोसिस, जो काई होती है और जो ठीक है शैवाल, ये दोनों चीजें होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, खेल करिए फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम जो है कहाँ पे हो, जल्दी से बताइए। फोर्थ एडिशन में इसमें करंट अफेयर साइंस और जीके सब कुछ पूछ रहा हूँ, तो जस्ट टू चेक कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं, और बाकी उसके बाद करंट अफेयर तो होगा ही। ठीक है, 10 बजे आना अकेडमी में। चलिए तो आंसर क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की अगर मैं बात करूँ, तो ये एडिशन क्या है, हरियाणा और दिल्ली का है, हरियाणा और दिल्ली में होने वाला है। एक और क्वेश्चन देखिए, सोल्व करिए इस क्वेश्चन का आंसर, विच कंट्री विल लॉन्च अ डाटा रिले सैटेलाइट डेट विल हेल्प मेंटेन द कॉन्टेक्ट विद गगनयान मिशन। देखिए आप सभी जानते हैं गगनयान मिशन हाल फिलहाल में ठीक है न्यूज में था। अब सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री जो है एक डाटा रिले सैटेलाइट लॉन्च कर रही है जो कि हमारे गगनयान से कॉन्टेक्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए दोस्तों आंसर इंडिया ही है, इंडिया ही करेगा। देखो दो चीजें हैं, कोलैबोरेशन है इसरो का डीआरडीओ के साथ। ठीक है, अब इसरो डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेशन में क्या क्या चीजें करेगा, वो चीजें आपको गगनयान प्रोजेक्ट में ही देखने को मिलेंगी। ठीक है इंडिया इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, मेरी रेगुलर क्लास 7 बजे वाईफाई स्टडी भी होती है, आप उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बताइए सोयल इज फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट रॉक, देखिए जो चट्टान होती है उसमें से मिट्टी बनती है। सवाल ये पूछा जा रहा है कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है कौन सी प्रोसेस के थ्रू, केमिकल डीकम्पोजिशन, फिजिकल डीकम्पोजिशन, बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन, किस प्रोसेस के थ्रू। ठीक
ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन आंसर में। चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव है, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, तीनों के तीनों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, सोल्व करिए। रिसेंटली द राजा मिश्रा पास अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, राजन मिश्रा जो इनका निधन हुआ, ये किस फील्ड से संबंधित, बस 50 क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कर दीजिए जल्दी से। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सिंगर इसका आंसर है, ठीक है, सिंगर थे, गायक थे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, विच फिल्म वोन द बेस्ट पिक्चर टाइटल अवार्ड इन 93rd अकेडमी अवार्ड। मैं इसमें करंट अफेयर भी आपसे पूछूंगा, सो डेट कि आपको आइडिया लगे कि करंट अफेयर भी किस तरीके, इस लेवल के करंट अफेयर आपको मिल रहे हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी फिल्म है जिसको मिला है बेस्ट पिक्चर टाइटल अवार्ड 93rd अकेडमी अवार्ड में, तो आंसर क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है नॉमैडलैंड, ठीक है, नॉमैडलैंड जो है इसे बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, विच इज द मोस्ट बेनिफिशियल एडिबल ऑयल फॉर द हार्ट, जल्दी से बताइए, बेनिफिशियल एडिबल ऑयल फॉर द हार्ट, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, मोस्ट बेनिफिशियल एडिबल ऑयल फॉर द हार्ट, आंसर है इस क्वेश्चन का ऑलिव ऑयल, ठीक है, जैतून तेल जो होता है वो बहुत एडिबल ऑयल होता है और अपने जो हार्ट के लिए गुड होता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स कम होती है, ठीक है, इसके कंजम्पशन से, ठीक है, कार्डियक प्रॉब्लम कम होती है। एक और क्वेश्चन देखिए, एशिया और नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट, कौन सी स्ट्रेट के माध्यम से एशिया और नॉर्थ अमेरिका डिवाइडेड है, जल्दी से बताइए, बहुत बेसिक सी बात है ये, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्थ अमेरिका और एशिया किससे सेपरेटेड। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर इस ग्लोब की बात करी जाए तो इज द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इज द एशिया, तो मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन अगर इसको हम सर्कुलर ही देखें, ग्लोब फॉर्मेट में देखें, तो ये बेरिंग स्टेट है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन द ह्यूमन बॉडी मेटाबोलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब एक ह्यूमन बॉडी मेटाबोलाइज करती है 1 ग्राम फैट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, जब बॉडी 1 ग्राम फैट मेटाबोलाइज करती है तो कितनी रिलीज होती है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, 39 किलो जूल इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, देखो ट्रिब्यूटरी में बहुत सारी है, इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, थुंगबंद्रा हो गया, कोयना हो गया, भीमा हो गया, इसके अलावा मूसी भी जो है ये सहायक नदी है, ठीक है, इसके अलावा और भी 3-4 हैं जो सहायक नदी हैं, कृष्णा की ही सहायक नदी मानी जाती है। पता है येलो रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि येलो रेवोल्यूशन तो भाई ऑयल सीड से संबंधित, बाकी आप सभी जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रीन है, मिल्क व्हाइट है, फिश ब्लू है, ऑयल सीड येलो है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास इज यूज फॉर मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बताइए कौन से इसमें से टाइप का ग्लास है जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में यूज में आता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है दोस्तों आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में काम आता है, तो आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, फ्लिंट इसका आंसर, फ्लिंट ग्लास, इंपोर्टेंट। चलिए, ग्रैमी अवार्ड इज गिवन फॉर नोटेबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए ग्रैमी अवार्ड जो है, ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से हो देगा, चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर म्यूजिक इसका आंसर, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, म्यूजिक इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सब्सटेंस विच हैव इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड व्हाट,
ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो आंसर क्या है इसे हम कहेंगे इंसुलेटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर मेकिंग पेमेंट अंडर विवाद से विश्वास टिल विच ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी से बताइए, टैक्स से संबंधित है। ठीक है, टैक्स से संबंधित है। कौन सी तारीख तक जो है विवाद से विश्वास का जो पेमेंट है वो एक्सटेंड किया गया। ठीक है, डेडलाइन को एक्सटेंड किया है, वो है 30 जून तक। मतलब अब ये डेडलाइन भी जा चुकी है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। वर्ल्ड अफेयर का वीडियो आज का भी आ चुका बेटा, इसका वीडियो और 7 बजे की क्लास, ये डेली होता है चाहे कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, तो आज का 21 अगस्त का करंट अफेयर भी आ चुका होगा वर्ल्ड अफेयर पे, और बाकी आपको पता ही है रेगुलर क्लास मिल रही है। बताइए, सोल्व करो, 50 क्वेश्चन निकाल दो। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, इंडियन जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिपोर्टेड हैज व्हाट परसेंट ग्रोथ। जनरल इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत ग्रोथ आया, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस में 5% का ग्रोथ आया। एक और क्वेश्चन देखिए, नेम द प्लांट हॉर्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट रिपाइनिंग। शेयर करो, जल्दी से कनेक्ट करो, उसके बाद अनअकैडमी का 10 बजे वाले क्लास जरूर लीजिएगा करंट अफेयर का। ठीक है, बताइए, फलों को पकाने के लिए इसमें से तो आसानी है, जैसे एक एक सेकंड के क्वेश्चन है। इथाइलिन इसका आंसर है कि यार इथाइलिन जो है फलों को पकाने के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। फलों को पकाने में यही यूज आता है, ये मेरा रेगुलर क्लास है 7 बजे वाईफाई स्टडी, आप इसे जरूर देखिए। आरबीआई ने एक्सटेंड किया, सुबह हुआ था क्वेश्चन एक, वे एन मीन एडवांस लिमिट। सवाल अब ये पूछा जा रहा है, कितना अमाउंट जो है आरबीआई ने इसमें एक्सटेंड किया है, बताइए कितना एक्सटेंड किया है जल्दी से। और ये लेटेस्ट में सितंबर तक ये अमाउंट रहेगा। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है कि ये एक्सटेंड जो अमाउंट है वो कितना है। तो दिस अमाउंट इज, ठीक है, ये है इसका अमाउंट, 51,000 करोड़ का अमाउंट है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। व्हाट इज सुपरनोवा, सुपरनोवा का क्या मतलब है। व्हाट इज सुपरनोवा, सुपरनोवा का क्या मतलब है दोस्तों, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरनोवा। चलो तो इस बात पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सुपरनोवा क्या है, एक ब्लास्टिंग स्टार है। सुपरनोवा इज अ ब्लास्टिंग स्टार, दैट इज ठीक है, ओल्ड स्टार कह सकते हैं जो कि ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है, बट सन नहीं होगा क्योंकि सन इज अ यंग स्टार। ठीक है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है। बड़ी कॉमन सी बात है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एसिड जब रिएक्ट करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, हाइड्रोजन इसका आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च हैज रिवाइज इंडिया रियल जीडीपी, कितना जीडीपी कर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ये जो जीडीपी वैल्यू किया है वो 10.1% किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, विच इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ भूटान, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कौन सा भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। बेटा आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं उस पे फोकस जरूर करिएगा, 10 AM रेगुलर क्लास है, वर्ल्ड अफेयर का वीडियो रेगुलर है, तो इन सब पे बहुत फोकस करिए, और 7 बजे वाली क्लास। ठीक है, तो आर्चरी इसका आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंस्टेंट ऑफ बायोगैस, इसमें से कौन सा मेजर कंस्टेंट है बायोगैस का, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी है। ठीक है, मिथेन इज द मेजर कंस्टेंट ऑफ बायोगैस। हू फर्स्ट एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जल्दी से बताएगा, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो जैविक विकास है, इसकी व्याख्या सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो ये व्याख्या सबसे पहले किसके द्वारा की गई, लैमार्क के द्वारा की गई, किसके द्वारा, ठीक है, लैमार्क के द्वारा। बताइए बोदान मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट की गई, बोदान आंदोलन जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन आंसर।
गोदान आंदोलन किसके, बस एक छोटा सा पेपर है, वैसे मैं रेगुलर से 7 बजे पढ़ाता हूँ, तो आप वहां पे 7 बजे जुड़े, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बोदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय होम, तो विनोबा भावे के द्वारा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइएगा ईईजी इज डन, देखिए ईईजी किसके लिए होता है, क्या ब्रेन के लिए होता है ईईजी, ठीक है। तो ईजी किसके लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है, जैसे ईसीजी हार्ट के लिए होता है ना, जैसे ईसीजी हार्ट के लिए होता है वैसे ईजी ब्रेन के लिए होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो आपका हाई कोर्ट में एडवोकेसी का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, हाई कोर्ट में एडवोकेट होने का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस पेपर में सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी पे मिलेगी, ऊपर आप देख लीजिए, सर्च करिए इसको, सर्च करते ही सबसे ऊपर जो मिले कनेक्ट कर जाएगा। तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 10 साल द एक्शन ऑफ निफ स्प्लिट द टॉप इज एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्शन ऑफ निफ स्प्लिट इज एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है कैपिलरी एक्शन, इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखें, रिसेंटली इंडिया इंडिया वुमेन रिकव टीम वॉन द गोल्ड मेडल एट आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1, पूछा गया कि हु वाज लीडिंग टीम, ठीक है, जो ये अभी आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 हुआ है उसमें कौन, ठीक है, इस टीम को लीड कर रहा था, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैंने शायद ये वर्ल्ड अफेयर पे क्वेश्चन हाल फिलहाल में कराया है, ठीक है। अच्छा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, दीपिका कुमारी इसका आंसर है। एक कमोली का बारी का भी क्वेश्चन आएगा, वो भी देखिएगा जरूर, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन ही करना, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट आर द टेम्परेचर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कोल्ड है, साउथ अमेरिका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसे क्या कहा जाता है, कमेंट करिएगा। व्हाट वी कोल्ड टू द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है पैम्पस, ठीक है। बताइए विच लेंस इज यूज टू करेक्ट द मायोपिया, ठीक है दोस्तों, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करो, नियर साइटेड, मतलब हमें पास का दिखाई देता तो दूर का नहीं दिखाई देता, कहने का मतलब है ना, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, तो हमें सिर्फ पास का दिखाई देता दूर का नहीं दिखाई देता, आंसर क्या है कनकेव लेंस, ठीक है, आंसर क्या है कनकेव लेंस का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए व्हाट इज द सिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम, सिल्क किससे प्रोड्यूस होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से होतेगा। ठीक है दोस्तों, सिल्क किससे प्रोड्यूस होता है, रेशम प्रोड्यूस होता है सिल्क वर्म प्यूपा से, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द साइंस ऑफ मेकिंग मैप पोर्डलेस, ठीक है, साइंस ऑफ मेकिंग मैप पोर्डलेस, ठीक है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं, बताइए मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए तो आंसर इस क्वेश्चन कैटोग्राफ, ठीक, कैटोग्राफी कहा जाता है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था उसमें। कंट्री विल ज्वाइन यूनाइटेड स्टेट कनाडा नॉर्वे कतार इन फॉर्मिंग नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम, ठीक है, आप बताइए कौन सा देश है जो नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम को बनाने में इन सभी देशों के साथ ज्वाइन करने वाला है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है सऊदी अरेबिया, इन सभी के साथ ज्वाइन करेगा और इसे नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम जो है बनाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट, इसमें से कौन सा पैरासिटिक प्लांट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरासिटिक प्लांट है, जल्दी से बताइए, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए पैरासिटिक प्लांट कौन सा है, तो आंसर है इस क्वेश्चन का मशरूम इज अ पैरासिटिक प्लांट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आईज कॉल्ड एज व्हाट, देखो हमारी जो आंखों में इमेज बनती है, रेटिना पे जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी इमेज होती है, तो वो हमेशा वो रियल और इन्वर्टेड होती है, ठीक है, रियल होती है लेकिन इन्वर्टेड, ठीक है,
अपराइट नहीं होती, इन्वर्टेड होती है, ठीक है, दिमाग रखें। वर्ल्ड डे फॉर एनिमल इन लेबोरेटरीज जो है किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, जल्दी से बताइए, वर्ल्ड डे फॉर एनिमल इन लेबोरेटरीज किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। चलो दोस्तों आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 24 अप्रैल को, ठीक है 24 अप्रैल को। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सर्च करना अमन सर वाई फाई स्टडी, ये ज्वाइन कर लीजिएगा सो डेट आपको पीडीएफ मिल सके और आप मेरी 10 बजे वाली करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास में आ सके, वो बहुत जरूरी क्लास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज यूज्ड इन रेगुलेशन सेंटर, ठीक है, वॉमिटिंग जो होती है उसके संदर्भ में कौन सा इसमें से मानव, ठीक है, मस्तिष्क का भाग होता है, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मेड्यूला ऑब्लिगेटा, ठीक है मेड्यूला ऑब्लिगेटा। बताइए केमिकल कौन सा यूज होता है फोटोग्राफी में, कौन सा केमिकल यूज होता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच केमिकल इज यूज इन फोटोग्राफी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है दोस्तों आंसर क्या, देखो केमिकल कौन सा यूज होता है फोटोग्राफी में, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आंसर है इस क्वेश्चन का, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च हैज रिवाइज फाइनेंशियल ईयर 22 ग्रोथ टू व्हाट परसेंट, कि मतलब जो अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ, तो ग्रोथ अब इस समय 10.4% है, ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। देखिए एक टेम्परेचर ही मतलब एक बॉडी के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, बताइए एक बॉडी के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, आंसर है इस क्वेश्चन का थर्मल कैपेसिटी जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सॉल्वेंट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोस्तों, ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली विच सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज पास अभी इन गुड़गांव, तो करंट अफेयर एक तरीके से, ठीक है मोहन एम, ठीक है तनगुदार जो है इनका निधन हुआ हाल फिलहाल में। बताइए एन अलॉय यूज इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, बताइए कौन सा अलॉय यूज होता है इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर नेक्रोम, इसका आंसर है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर विजिबल एज लिटल आउट ऑफ फोकस इन कंडीशन, देखो डिस्टेंस दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती कहां पे, जब पास की देख पाते हैं, मायोपिया में हम सिर्फ पास का देख पाते हैं तो हमें दूर का वैसे ही दिखाई नहीं देगा, ठीक है दूर का वैसे ही दिखाई देगा क्योंकि मायोपिया में हम सिर्फ पास का देख पाते हैं ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच बैंक हैज साइंड एग्रीमेंट विद द चेन्नई एंजल्स फॉर फाइनेंसिंग स्टार्टअप, ठीक है अंडर इट्स लोन प्रोग्राम INDS स्प्रिंग बोर्ड, बताइए कौन से बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया है चेन्नई एंजल्स के साथ, ठीक है तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर इंडियन बैंक। चलिए बताइए विच प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च अ न्यू वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी कॉल्ड एज वेल्थी कम्युनिटी, बताइए कौन से प्लेटफॉर्म ने एक नया वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी ओपन किया है जिसका नाम है वेल्थ कम्युनिटी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, चलो तो आंसर है पेटीएम, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसिड ऑन रिएक्टिंग विद मेटल कार्बोनेट, एसिड ऑन रिएक्टिंग विद मेटल कार्बोनेट रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, बड़ा आसान क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्गन आर देन इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कितने ऑर्गन होती हैं, बताइए ये फाइनल क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, दीज ऑल आर द क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो आपको पढ़ने थे, आंसर क्या है कि हाउ मेनी ऑर्गन आर देन इन द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 है, ठीक है तो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, तो अभी आप क्या करें वर्ल्ड अफेयर का वीडियो देखें जिसने अभी तक नहीं देखा है,
बहुत आसान तरीका है, आपको एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसमें आपको इसका पीडीएफ क्लास का भी मिल जाएगा, बाकी सभी क्लासेस भी मिल जाएंगी। अमन सर्वाइव फैसिलिटी सर्च करो, सबसे ऊपर आएगा, सभी कनेक्टेड है, आप भी कनेक्ट हो जाइए इसमें ऑफिशियल, ठीक है, ज्वाइन करिए सारे के सारे। और इसी में आपको एक वर्ल्ड अफेयर का वीडियो दिखेगा, 15 मिनट का हार्डली करंट अफेयर होता है और सारा करंट अफेयर दिन का कवर है। 21 अगस्त का करंट अफेयर आ चुका है, ठीक, गो अगेट एंड वॉच इट, बहुत फायदेमंद है ये डेली करंट अफेयर, अगर आप पढ़ रहे हो ना ये तो बहुत फायदेमंद है। बस इतना ध्यान रखिएगा आपके कोर्सेज भी अब लाइव हैं, जैसे आप कोर्सेज में जुड़ रहे हैं तो वो भी फायदेमंद है, क्योंकि एक कोर्स में सारे सब्जेक्ट होते हैं, सारे एग्जाम्स की तैयारी होती है, थ्योरी हो रही होती है, कंसेप्ट हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो जैसे अभी नया बैच 18 अगस्त का स्टार्ट हो रहा है तो उसमें सब कुछ मिलने वाला है। बस आपको SSC गोल्ड गैक्शन क्लिक करना है, रेफर कोड लाइव अमन यूज करना है और मंथ सिलेक्ट करना। जब आप 24 मंथ सिलेक्ट करोगे तो आपकी सबसे कम फीस होगी, 1 साल फ्री मिल जाएगा आप, 1 साल फ्री, तो आप सीधा SSC गोल्ड में 2 साल का ऑफर ही लीजिए, जिससे आपको 3 साल मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। मिलते हैं आप सभी से अपनी रेगुलर क्लासेस में, 10 AM का एक रेगुलर सेशन करंट अफेयर का होगा, लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप अभी मिल रही 10 बजे आपकी क्लास होगी, तो इसमें आपको लिंक आ जाएगा करंट अफेयर की क्लास, है ना। चलिए सेशन को लाइक